अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं फालूदा सेव की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे फालूदे हमारे बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से घर में बन जाते हैं। और ये मैंने आपको दो फ्लेवर का मैंगो और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का फालूदा मैं आपको बनाना बताऊंगी। मार्केट में ये एक गिलास करीब 100 से 150 की रेंज में मिलता है, लेकिन आप घर में इसे बड़ी आसानी से और बहुत ही कम पैसों में और हाइजीनिक तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले रही हूँ एक बड़ा चम्मच सब्जा के बीज, जिसे बेसिल के शीट भी कहते हैं, और मैं इनमें थोड़ा पानी डालकर इन्हें फूलने के लिए रख दूंगी। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ठंडे भी रहते हैं और इन सारे ड्रिंक्स में ही डाले जाते हैं। देखिए मैंने इन्हें आधा कप पानी डालकर भिगा लिया है और ये करीब 1 से 2 घंटे में बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बनाते हैं फालूदा सेव। इसके लिए मैंने ये 1 छोटा कप अरारोट लिया है, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। आप चाहे तो कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं, लेकिन अरारोट से ये जो फालूदा सेव है ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमें इसको पहले घोलना है, इसका एक घोल बनाना है, और ये चीज़ें हमें बिना गैस पर रखे ही करनी है। गैस पर रखने के बाद इसको नहीं करते हैं, वरना उसमें लम्स हो सकते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक बाउल और इसमें मैं इस अरारोट को अब डाल दूंगी। आप कोई भी, आपके पास मेजरमेंट के लिए कोई ऐसा कप ना हो तो आप कोई भी एक कटोरी ले सकते हैं। अब इसमें मुझे डालना है पानी। इसे अच्छे फालूदा सेव बनाने के लिए 2.5 से 3 गुना पानी डाला जाता है। अब पहले मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी और उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। इससे क्या होता है कि ये जो हमारे सेव हैं ये फीके से नहीं रहते। मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दी है। अब मैं डालूंगी इसमें 1 कप पानी पहले, और इसे थोड़ा पानी डालना है और अच्छे से घोल लूंगी। ये 2 कप पानी, और 3 कप मैंने पूरा नहीं भरा है, ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है मैंने। बस इसे अच्छे से घोल लूंगी मैं। देखिए हमारा ये अरारोट इसमें बहुत अच्छे से घुल गया है और हमारा ये अच्छे से घोल बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले ही सारी तैयारी कर लेनी है। इसके लिए मैंने लिया ये नॉर्मल मैनुअल वाली मशीन है मेरे पास, फालूदा बनाने के लिए, जो नॉर्मल सेव वगैरह बनाते हैं हम लोग। तो मैंने इसमें ले ली है मीडियम साइज की जाली, और इसको थोड़ा सा घी से मैंने ग्रीस कर लिया है। इसको भी मैं लगा कर रख दूंगी, क्योंकि जैसे ही हमारे फालूदा का मिक्स तैयार होगा तो हमें इसे गर्म गर्म को ही अपनी सेव मशीन में डालकर सेव बनाना है इसके लिए। और 1 बड़े बाउल में मैं ले लूंगी आइस, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल चिल्ड पानी में बनाकर डालना है। देखिए 1 बड़े बाउल में मैंने आइस डाल लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया है। चलिए अपने सेव को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ले लिया है 1 पैन, और इसमें मैं अपने इस घोल को पहले डाल लूंगी, और मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। हमारा ये मिक्स ही एकदम परफेक्ट बनना चाहिए दोस्तों। अगर इसमें कमी रह जाती है तो हमारे फालूदा सेव टूट जाते हैं, वो अच्छे नहीं बनते हैं। इसे कंटिन्यू चलाना है हमें जब तक ये पहले गाढ़ा ना होने लगे। जैसे ही मिक्स हमारा गर्म होने लगता है तो इसमें थोड़े थोड़े लम्स आने लगते हैं। इसके लिए हमें इसे कंटिन्यू चलाना है और इस तरीके से, मतलब दबा के प्रेस करते हुए घुमाना है, इससे इसमें बिल्कुल लम्स ना बने और हमारा जो ये मिक्सचर एकदम एकसार बनकर तैयार हो। देखिए आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े लम्स जैसे बनने लगे हैं, लेकिन जैसे ही हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। देखिए हमें इसे कंटिन्यू चलाना है और इसे तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल वैसलीन जैसी फॉर्म में ना आ जाए। देखिए ये बहुत ही जल्दी हो जाता है बनकर तैयार, आप देख सकते हैं। कलर भी देखिए इसका चेंज हो चुका है और ये हमारे पैन से भी सेपरेट होने लगा है। देखिए बिल्कुल जैली की फॉर्म में ये आ गया है, बिल्कुल ऐसा कंसिस्टेंसी का मिक्स हमें तैयार करना है। बस अब गैस का फ्लेम आप बंद कर दें। बस इस कंडीशन में आप इसे 1-2 मिनट पकाएं और फिर आप गैस का फ्लेम जो है बंद कर दें। देखिए आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिक्स बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब गरम गरम ही आप इसे अपनी मशीन में डाल लें। देखिए हमने अपने मिक्स को भर लिया है, अब इसे मैं बंद कर लेती हूँ। आपको एक कपड़े से पकड़ के रखना है क्योंकि काफ़ी गर्म हो जाता है। देखिए इस तरीके से अब मैंने ले लिया है बाउल में आइस वाला पानी, और इसमें अपने इन सेव को मैं गरम गरम ही ऐसे घुमाते हुए बिना रुके अपने सारे सेव को डाल लूँगी। आपको दोस्तों बीच में रुकना नहीं है, इन्हें लगातार चलाते हुए इस तरह घुमाते हुए बनाना है जिससे ये टूटे ना, क्योंकि अगर आप बीच में रुक रुक कर चलाएंगे तो ये टूट सकते हैं। तो इस तरह कंटिन्यू चलाते हुए आप इन्हें बना लें।
देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे फालूदा सेब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब आप क्या करें, इन्हें करीब आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें जिससे ये और अच्छे से सेटल हो जाएं। वैसे तो ये सर्व के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये और अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपने फालूदा को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फालूदा हमारा बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब हम अपना फालूदे का ग्लास बना लेते हैं। आज मैं आपको दो तरह का फालूदा का ग्लास बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने जो सामान लिया है, ये तो मैंने जो सब्जा के बीज भिगाए थे, देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। ये मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा लिया है, आप कोई भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जूस ले सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंगो प्यूरी है, ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैंने एक मैंगो को बारीक बारीक कट कर लिया है, ये थोड़ी टूटी फ्रूटी और चेरी है, और ये मैंने ली है बादाम मिल्क की रबड़ी। बादाम मिल्क की रेसिपी मैंने आपको पहले बनाना सिखाई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये रबड़ी के साथ जो फालूदा का फ्लेवर है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। आप चाहे तो आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज रबड़ी फालूदा बनाऊंगी। और ये थोड़ा सा मैंने ठंडा दूध लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैंगो फ्लेवर का फालूदा बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक ग्लास की तली में डाल रही हूँ ये 2 चम्मच सब्जा के बीज। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच ये मैंगो की प्यूरी, थोड़ा सा ठंडा दूध, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा फालूदा सेव। अब डालूंगी मैं थोड़े से कटे हुए मैंगो। अब थोड़ी रबड़ी। अब ऊपर से मैं थोड़े कटे मैंगो, सी टूटी फ्रूटी से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और ये लगा दूंगी मैं एक चेरी। ये देखिए, ये हमारा मैंगो फ्लेवर का फालूदा बनकर तैयार है। अब हम बना लेते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का फालूदा। इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नीचे रूह अफ़ज़ा। अब डालूंगी मैं इसमें 2 चम्मच सब्जा शीट्स, थोड़ा सा ठंडा दूध, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़े फालूदा सेव, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, थोड़ा रबड़ी, थोड़ा टूटी फ्रूटी, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा गार्निशिंग के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे दोनों फ्लेवर का फालूदा बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाइए ये शानदार रबड़ी फालूदा। धन्यवाद।